सोशल मीडिया पर दोस्ती में धोखा देने वाले मामले बढ़ते जा रहे हैं। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर सूरत के एक कपड़ा व्यापारी से लाखों रुपए की वसूली की गई। व्यक्तियों को एक अज्ञात मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करते और अश्लील वीडियो बनाते पकड़ा गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे जा रही थी। सूरत साइबर पुलिस ने आरोपी मनु शर्मा को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से समझौता करा के ने के लिए अलग अलग आरोप बताकर फरियादी से जबरन 17 लाख वसूले गए। सूरत ना एक फरियादी ने एक दिवस अचानक सोशल मीडिया अकाउंट्स में एक रिक्वेस्ट आवेली होती, जे एक महिला तरीके ने व्यक्तित्व धरावती होती। ते रिक्वेस्ट अनुसंधाने तेनी साथे मित्रता केळवीने तेओ साथे ऑनलाइन विडियो कॉल मार्फते बातचीत थती हती। एक दिवस विडियो कॉल मार्फते बीबीच चैन चाड़ा सामेवाड़ी व्यक्तिए करेल हतुं अने ते वात दरमियान तेनुं रेकॉर्डिंग ते सामेवाड़ी व्यक्तिए करेल हतुं। ते रेकॉर्डिंग विडियो रेकॉर्डिंग कर्या बाद सूरतना ज ए फरियादी पासेथी ए विडियो अलग अलग जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड न करवा हेतु अलग अलग मा रुपयानी मांगणी करवामां आवेल हती, जेमां शरूआतमां 5100 रुपया तथा 6000 रुपया एटले के कुल 11100 रुपया सूरतना फरियादीए सामेवाड़ी व्यक्तिने आपी चूकेल हता। त्यारबाद वधु 5000 रुपयानी मांगणी करता सूरतना आ फरियादीए पोताना मित्र मनोज शर्मानो संपर्क कर्यो हतो अने मनोज शर्माने आ हकीकत विशे माहिती आपी हती। त्यारबाद मनोज शर्माए पोतानी ओळख सूरत पोलीसमां ज भरती थयेल छे તાજેતરમાં તેવી આપી હતી અને તેઓએ નેશનલ ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરોના એક બનાવટી ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યું હતું અને તે અનુસંધાન એપ્લિકેશન ચાર્જ પેટે તથા વિડીયો અલગ અલગ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટમાં અપલોડ ન થાય તથા દિલ્હી પોલીસ આ ગુના અનુસંધાને તપાસ કરે છે તેવી ખોટી વાતો કરીને દિલ્હી પોલીસમાં પણ પોતાની ઓળખાણ છે તેવી વાત કરીને સુરતના ફરિયાદી પાસેથી અલગ અલગ ટુકડામાં કુલ 17,62,230 રૂપિયા પડાવી લીધેલ હતા અને તે બળજબરીપૂર્વક પડાવીને તેઓને પરત આપેલ ન હતા। આ ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી જેનું નામ છે મનોજ ઓમ પ્રકાશ શર્મા, જેઓની ઉંમર 31 છે, જેઓ કાપડ દલાલીનો વ્યાપાર સાથે સંકળાયેલા છે, ગોડાદરા સુરતમાં રહે છે, મૂળ જોધપુર રાજસ્થાનના છે, તેઓની આ ગુના અનુસંધાને ધરપકડ કરીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે।